हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे, चंगे, भले, मस्त होंगे। सुबह का टाइम है, टाइम बड़ों को सादे चैंस पर, छोटों को ढेर सारा प्यार। कभी कभी हम जब बोलते हैं हमारी जीभ लड़खड़ा जाती है। अगर कुछ ऐसा थोड़ा सा डिस्टेंट शब्दों में हो जाए तो प्लीज़ उसके लिए माफ़ करना। सभी के जीभें लड़खड़ाती है तो संभालना भी पड़ता है। तो मैं बना रही हूँ ब्रेकफास्ट टिफ़िन के लिए, और तीन टिफ़िन अब तैयार होते हैं। पहले कैसा है, मतलब था स्कूल जब जाते थे बच्चे तो तीन टिफिन, फिर मतलब तीन बच्चे हैं मेरे, तो तीन तो तैयार होंगे ही। अब फिर से वही रूटीन आ गया है, सब बराबर इक्वल हो गए, फिर से जाने लगे। कॉलेज स्कूल हो तो छुट्टियों का थोड़ा सा ऐसा हो जाता है, तो अब मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा बढ़ गई है बच्चों की, और घर के काम, बाहर के काम के कारण मुझे टाइम नहीं मिल रहा है। घर में पूरा पूरा सामान फैला हुआ है, कपड़े धुल के सूख के आ जाते हैं तो फोल्ड नहीं हो पाते हैं। नवरात्रि भी आ रही है, और कौन कौन नवरात्रि का व्रत रखता है कमेंट करके ज़रूर बताना। और आप कोई कोई नवरात्रि में सिर्फ लॉन्ग लेके व्रत मतलब रहते हैं सारा दिन, है ना। बहुत लोग होते हैं कि 9 दिन एक लॉन्ग सिर्फ जीभ कहते हैं ना, अपना जो माउथ होता है उसमें रख के उसी के ऊपर रह जाते हैं। और मैं बना रही हूँ गरम गरम चाय, तो आ जाइए पीने के लिए। चाय पी लो सुबह सुबह तो बहुत मतलब माइंड अच्छा हो जाता है। मैं चाय नहीं पीऊँ तो मेरे सर दर्द होने लगता है। तो चाय रेडी है, और चाय और नाश्ता तैयार होने के बाद मैं आई हूँ। ये जो कमरे में ये लेटर दिख रहा है, ये सब हटा रही हूँ, इसमें थोड़ा सा काम था तो यहीं रख दिया। तो अब सब क्लीन करूँगी आराम से। ब्रेकफास्ट तैयार हो गया, टिफ़िन रेडी हो गया, और नैन्सी स्वीटी चले गए कॉलेज, रहेगी ट्विंकल। ट्विंकल की तबीयत काफ़ी ख़राब चल रही है, तबीयत तो अब मेरी भी ख़राब है, लेकिन काम तो करना पड़ेगा। जैसे भी पेन किलर खाओ, दर्द तब तक छूमंतर हो जाता है, फिर उसमें हम काम करते हैं तो कुछ पता नहीं चलता है, फिर चलता है। अब कैसे होता है कम ज़्यादा, ये इसी को कहते हैं ग्रस्त जीवन, है ना। ग्रस्त गृहस्थी में होता है, और माँ जो होती है इसी सबसे ऊपर उनको दर्जा दिया जाता है। मैं अपने हिसाब से खुद को लेके नहीं कह रही हूँ, हर माँ के लिए कह रही हूँ कि माँ के पैरों में जन्नत है, माँ का आशीर्वाद सबसे बड़ा होता है। लेकिन हाँ, आशीर्वाद तभी काम आता है जब हम अच्छे कर्म करते हैं, बुरे कर्म में माँ बाप का भी आशीर्वाद काम नहीं आता है। तो अच्छा काम करिए, सबके मन को खुश रखिए, किसी की हाय बद्दुआ में मत लीजिए, क्योंकि बद्दुआ में जो ताकत होती है किसी की दुआ में भी नहीं होता है। और मेरे काम हो रहे हैं, अच्छा लगता है जब घर पूरा साफ़ हो जाए, क्लीन हो जाए तो थोड़ा अच्छा लगता है। लेकिन हाँ, साफ सफाई तो हो जा रही है, लेकिन थोड़े बहुत सामान यहाँ फैले हैं वो नहीं हो पा रहे हैं टाइम के कारण, और तबीयत ख़राब होने के कारण। मेरी ट्विंकल की काफ़ी तबीयत ख़राब बहुत ज़्यादा हो रहा है, मेंटली डिस्टर्ब रह रही है। एग्ज़ाम आने वाले हैं और असाइनमेंट ये सब रेडी करना पड़ता है, तो बच्चों पर वो कुछ ज़्यादा ही लोड लेती है। मेरे समय स्वीटी नैना भी मतलब नैन्सी भी पढ़ी, इतना नहीं लोड लिए, ये कुछ ज़्यादा लोड ले रही है। इसकी तबीयत इतनी ख़राब हो रही है कि क्या बताऊँ, स्कूल में तबीयत इतनी ख़राब हो गई थी इसकी। अब मैं नहीं थी, गाड़ी भी नहीं घर में रहती, दो गाड़ियाँ हैं तो एक नैन्सी ले जाती है, एक स्वीटी। अब इसने बताया ही नहीं किसी को, नहीं तो मैं अरेंज करवाती, कैसे भी घर बुलाती, लेकिन इसने कुछ बताया ही नहीं। और इसकी तबीयत बहुत ख़राब हुआ, इसका टेस्ट वेस्ट करने को दिया है। वैसे सब लोग ध्यान रखिए, डेंगू बहुत फैल रहे हैं हमारे आसपास, तो बहुत लोग बीमार हैं डेंगू से, टाइफाइड से। तो आप लोग प्लीज़ अपना ध्यान रखना। भाई मैं तो अपना बचाव करके रखती हूँ, बच्चे भी रखते हैं, लेकिन स्कूल में हो जाता है ना, जा रहे हैं कैसा है क्या है। तो आप लोग अपने बच्चों का केयर करना, और साफ़ सफाई करने के बाद मैं इधर आ गई प्लांट के पास। मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब इनमें फूल आने लगते हैं और हरे हरे होते हैं, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। जब ये सूखने लगते हैं ना तो मुझे बड़ा दुख होता है। इन पौधे भी ना एक बच्चे के जैसे होते हैं, इनको खूब प्यार चाहिए, देखभाल चाहिए, तब ये फूल देते हैं, फल देते हैं, है ना। तो हर एक चीज़ को ना प्यार की ज़रूरत है, केयर की ज़रूरत है। देखो इनमें क्या हुआ ना, कीड़े लग गए थे, मतलब ये जो प्लांट उठा रही इसकी बात नहीं कर रही हूँ, ये प्लांट के पीछे ना एक येलो कलर का फ्लावर दिखे होंगे छोटे छोटे, उसमें भी कीड़े लग गए थे, और बहुत से पौधे में कीड़े से लग गए थे, पत्ते ना झड़ रहे थे, ऐसे डिज़ाइन डिज़ाइन कटिंग होने लगी थी ऑटोमेटिक। तो उसमें थोड़ा सा मैंने मेडिसिन डाला है, दवाई, और देखो क्या फ़र्क होता है। कैसा है ना कि अगर हम किसी चीज़ को अगर छोड़ दें, ध्यान न दें ना, तो सच में उसमें कीड़े लगने लग जाते हैं, चाहे वो रिश्ता हो, चाहे पौधा हो,
हर चीज़ पे ध्यान जरूरी देना ज़रूर देना चाहिए, ना ध्यान दे तो वो सब कुछ ख़त्म हो जाता है, जैसे पौधे भी सूख के मर जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, फिर वो पौधा में वो बात नहीं रहेगी, पौधा वो रहेगा ही नहीं तो बात कहाँ से रहेगी। तो वैसे ही जीवन है, रिश्ते भी वैसे ही होते हैं, अगर हम रिश्तों को अच्छे से सींचेंगे नहीं, अच्छे से ध्यान नहीं देंगे, तो वो मरने के बाद फिर उसको आप जीवित कभी नहीं कर सकते हो। खैर, ये तो एक मोटिवेशन के हिसाब से, घर के रिश्तों के हिसाब से बोला है मैंने, जो जीवन में एक मैं बताऊँ, नाम नहीं लेना चाहती हैं, ऐसा रिश्ते बहुत होते हैं, मतलब बहुत देखने को आ रहे हैं आजकल, कि अपने सुकून अपनी खुशी के लिए ना लोग परिवार को दाव पे लगा देते हैं। बहुत से, अब क्या बताऊँ, मेरी ना एक दिल्ली में ना एक फ्रेंड है मेरी, बस इतना बोलूँगी ना वो मेरा ब्लॉग देखती समझ जाएगी कि मैं उसके बारे में ही बात कर रही हूँ। वो बीच में बहुत अपसेट थी, बहुत ज़्यादा, उसके साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ था। अभी भी मुझसे कभी कभार बात कर लेती है, लेकिन पहले कुछ ज़्यादा ही कॉल करती थी, अभी बाय चांस जब भी उसको तकलीफ़ होती है तो मुझसे शेयर करती है, उसे समझाती हूँ। और मैं तो बस एक ही बात जानती हूँ, जो तुम्हारी इज्जत नहीं कर रहा, तुम्हारे प्यार को नहीं समझ रहा, तो तुम उसको छोड़ के अलग हो जाओ, जीने दो उसको, जिस तरह से जी रहा है इंसान जो भी है, जीने दो, देख लेने दो उसको कि हाँ तुमसे ज़्यादा प्यार और तुमसे ज़्यादा खुशियाँ कोई और दे दे तो बहुत अच्छी बात है, तो छोड़ देना चाहिए। और लेकिन उसको दोबारा माफ़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब इंसान एक बार धोखा दे, है ना, एक बार इंसान समझ के माफ़ करता है ना, तो वो दूसरी बार सर पे बैठ जाता, सोचता है अरे यार ये तो लाचार है, हैं इसको तो कोई नहीं मिलने वाला, तो वो क्या करते हैं कि सोचते हैं अरे ये तो फिर इसके पास जाएंगे तो मान जाएगी। नहीं, हम औरतें हैं, हमें इतना मजबूत बनना चाहिए, जैसे आदमी लोग जिनके हस्बैंड नहीं इस दुनिया में होते मर जाते हैं, डेथ हो जाती है, सॉरी मैं किसी को ऐसा नहीं बोल रही, बुरा नहीं मानना, लेकिन क्या वो औरतें अपने बच्चों को नहीं पालती हैं? पालती हैं ना। तो जो आदमी अगर धोखा दे, झूठ बोले, अगर दूसरी औरत के सुकून पाने के लिए जाए, तो आदमी अय्याश अश्लील होता है, उसे अपनी बीवी बच्चों की कदर नहीं होती है, वो सुकून ढूंढ रहा है। और जो इंसान अपने पत्नी और बच्चों से सुकून नहीं ढूंढ पाया, तो क्या बाहर मुंह मारने से उसको सुकून मिलेगा? कभी नहीं मिलेगा। तो क्योंकि वो अय्याश है, और अय्याश आदमियों को सुकून नहीं मिलता है, वो नई नई औरतों को देख के उनको वो लूप, क्या कहते हैं हमारे यहाँ, कहते हैं ऐसे लुभाना से कुछ कहते हैं, तो वो उस टाइप के होते हैं, तो उनको कोई दुनिया में सुकून नहीं मिल सकता। हाँ, उनके पीछे उनके बच्चे और उनकी बीवियाँ ज़रूर सफ़र करते हैं, ज़रूर घुटती हैं, ज़रूर रोते हैं, लेकिन मैंने एक ही चीज़ जाना है कि जिनके आदमी ऐसे हों तो समझ लो कि मरा समझ लो उनको, और मरा समझ के भूल जाओ। करने तो कितनी अय्याशी करेगा, कितने दिन, एक साल, दो साल, कोई भी पराई औरत कभी साथ नहीं देगी, कितने दिन देगी? अगर जो अपनी है, जो दिल जान से ज़्यादा प्यार करती है, ज़्यादा सुख देती है, तुम्हारे दुख में साथ दे रही है, तुम्हें अपना के रखी है, समाज से लड़ सकती है, वही औरत तुम्हारी है। जो औरत तुम्हें समाज में नहीं रख सकती, सिर्फ छुप छुप के बात कर सकती है, छुप छुप के टाइम पास तुम भी करोगे, वो भी करेगी, तो तुम खड़े होकर देख लेना कि तुम्हारे दुख में, दर्द में कितना साथ देती है। मैंने उसे समझाया है, बेचारी मरने तक के कगार पर पहुँच गई थी वो, अब ठीक है, लेकिन हाँ उसकी हाय बद्दुआ ने बताया, वो जितना रोई ना वो लेडीज़, जितना रोई उससे ज़्यादा उस आदमी की ज़िंदगी बर्बाद होगी, पता है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, टाटा बाय बाय, ध्यान रखना।